अभी हम जामा विधानसभा के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से नामांकन भरे हैं, और आज जिस हिसाब से हम लोगों ने नामांकन किया है, जनता और संगठन सभी लोगों का पूरा पूरा हमें समर्थन मिला है। हमारे साथ हमारे संगठन के लोग हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं शिवलालदा हैं, एक प्रखंड के अध्यक्ष हैं कालेश्वर सौरन जी हैं, और उमड़ता हुआ कार्यकर्ताओं का जो आज उत्साह देखा गया, तो निश्चित रूप से जामा अब मेरे लिए नया नहीं है। जनता मन से स्वीकार कर लिया है और हम लोग जामा विधानसभा चुनाव जीतेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे के मुद्दे का जहाँ तक विषय है, मुद्दा इतने कम दिनों में जो हम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से और जनता से जो हमारी बातचीत हुई, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जामा का विकास अभी तक नहीं हुआ। आप शिक्षा के क्षेत्र में बोलिएगा, आप सड़क के क्षेत्र में आप बोलिएगा, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बोलिएगा, या पेयजल के विषय में बोलिएगा, रोजगार के, स्वास्थ्य के, ये सारे चीज़ों को लेकर जामा विधानसभा बहुत ही बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हम जामा विधानसभा के तमाम हमारे जनता को आश्वस्त करते हैं, जिस तरह से हमको बहुत छोटा कार्यकाल मिला था और अपने छोटा कार्यकाल में भरपूर कोशिश करते हुए जहाँ भी हम अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं, उसी निष्ठा और जनता के प्रति आस्था रखते हुए, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए एक एक समस्या का समाधान करेंगे, और युवाओं को जो रोजगार के लिए आज लोग भटक रहे हैं, ये सारे समाधान हम लोग करेंगे। आज असम के सीएम भी पहुँचे हुए हैं, क्या लगता, क्या असर पड़ेगा उनके चुनावी सभा से? कि असम के मुख्यमंत्री पहुँचे हुए होंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि उनके आने से थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों के बीच आग लगाने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र में हमेशा से लोग शांति, सौहार्द और प्रेम से रहने वाले लोग हैं, वही पसंद करते हैं। तो उनका अपना काम है, कुछ भी करके जाए, लेकिन झारखंडी लोग झारखंडी के अगुवाई में चलेंगे, झारखंडी के नेतृत्व में जाएंगे।